से लेकर खोद के कबर में दबा दिया यूं करके, मेरे सिर पे बिजली के बिलों का पहाड़ तोड़ दिया। मैं क्या जाऊँ, मैं तो भाई मीडिया पे भी रहूंगी, मैं मीडिया पे भी रहूंगी, मैं मोबाइल पे भी रहूंगी, मैं तो सब जगह रहूंगी। मेरा लूट के खा गई हुकूमत, भला हो इनका। हुकूमत यूं करके बीच में जाए, फिर यूं करके बाहर तो आना नहीं, यूं करके दाल पड़ी है और चावल पड़े हैं, खिचड़ी बना लो। हाँ, तो हमें बिना बीमारी की मम्मा ने खिचड़ी खिला दी, क्या बात है भाई। लग रहा हवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं और रमजीत मेरे डुबचल लवेली कुड़ी मित्र जी, आप लोग खैरियत होंगे, अपने घर में खुशरा बात होंगे, अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्यारे से दुआओं के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज। तो आप सब लोग कैसे हैं, आप लोगों के शहरों में मौसम कैसा है, आप मुझे बताएं कमेंट्स में। आज तो गर्मी इतनी ज्यादा ना कि भाई बेतहाशा। मम्मा जी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, बहुत बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी बहनों भाइयों बच्चों बेटो बेटियों, अल्लाह पाक खुश रखे। आमीन, आमीन। अल्लाह पाक आपके पेड़ खुशियों से भरे रहे। आमीन। अल्लाह पाक हर जगह खुशियां नसीब करे जितने पैर उतरे। आमीन आमीन। मम्मा जी गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो कुछ सोच लो हमारा भी। पट्टा ओढ़ ले जैसे मैंने ओढ़ा हुआ, तू भी ओढ़ ले। एसी का कोई सीन नहीं है, एसी क्या चलाऊं, भला वापटा वालों का अभी तो एसी नहीं चलाया, कुछ नहीं करा, अभी से बिल भेज दिया 15-16 हजार का। गरीब बंदा जैसे मैंने कोई यहाँ पे टेक्सटाइल मिले लगा रखी हूँ कपड़े की, मेरे साथ तो ये दुश्मनी कर रखी वापटा वालों ने। वो तो कहते 200 यूनिट का बिल ही नहीं भेजेंगे। वालेकुम सलाम, थोड़ा सा नेड़े आजो पापा जी, पंखा आवाज बंद नहीं कर सके भाई, बहुत गर्मी है। क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियां देखने नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। हाँ जी आजो, आप इधर बैठो, आप हटे यहाँ से। क्या मसला चुका? गर्मी बेताशा पड़ी, लड़की का दिल घबरा रहा है। मैंने कहा मेरी तरह गीला करके दुपट्टे ओढ़ ले। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में एसी पर हम इसे चलाने से कासिद हैं, क्योंकि हमारा आज बिल आया 15,000 रुपया बिल आया है। 15 नहीं 15.5 वही 16,000 रुपया हमारा बिल आ गया आज। तो मम्मा कह रही है कुछ नहीं चलाना, बल्कि लाइटें भी बंद कर दो। वैसे इस तरह के मौसम में ना कान को काटा बहुत ठंडा। पापा आप इधर आए, आप इधर आए, और तरबूज साइड पे कर दे ठंडा सा। बिलों से पैसे बचेंगे तो आम कटेंगे ना, जब बिलों से पैसे ही नहीं बचेंगे तो रोटी चटनी रोटी खानी बड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ जी, तो बहुत दूर की बात सही है, बात है कहाँ से आती है ये लोग, आप थोड़ा सा ऊंचा बोले। कौन लाता है इन्हें, पाकिस्तान में बनते हैं ऐसे परेशान लोग, हुकूमत ने नाक में दम कर रखा है, यहीं से आते हैं ये कमबख्त लोग। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, दूसरा में मारा क्या करूँ, खा गई है मेरे को हुकूमत। भाई ये बड़ी बीबी ना शाम से हमें भटकाने को पड़ी है, बहुत डांट रही है, इतना सारा बिल आ गया, डांटू ना मेरे तो बीपी जा रहा। नहीं तो हमके मीटर में कुछ बिल ज्यादा आ जाए तो बनता है अपने। अभी आपको अपने हालात बदलने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। अबे साले तभी ये भी बताया हमें कि इनके कितने कितने बिल आए। हाँ व्यूअर्स आप लोग भी बताया, आप लोगों का बिल भी इस तरह, हमने कोई अभी तक एसी नहीं चलाया, रूम कूलर नहीं चलाया, कुछ नहीं चलाया, सिर्फ ये पंखा चलता है, और हमारे ये पंखा भी नहीं चला रहे, कहीं बिल ना आ जाए इसका मान से। इस पे भी टैक्स लग जाएंगे। सोलर वो बड़ी भी देखिए कमीज उतार के साइड पे फेंकी हुई शर्ट पहन ली। आपके भी बिल ज्यादा आ रहे हैं या हमारे साथ ही ये अन्याय हुआ? शांत सलाम करे बड़े भाई, सलाम कर ले। सलाम वालेकुम, थोड़ा जी ऊंचा बोल ले उसकी तरह, हाथ से तेरे कान की तरह। सलाम वालेकुम। हाँ जी आप इन्हें शेखुपुरा बुला ले फिर। अच्छा बदू बदी बहुत बेस्ट लोग आ रहे हैं आप। बदू बदी भाई ना कोशिश करे गाने की ना, हमारे पापा ने हमारे लिए। अरे क्या कोशिश करो, आज मेरा पारा आई है वापटा वालों पे और हुकूमत पे। सुबह कह रहे थे इमरान खान को निकालो निकालो निकालो, बेचारा चला गया, अभी इन्होंने आके कौन सी मेरी कब्र खोदी, खोद के कब्र में दबा दिया यूं करके, मेरे सिर पे बिजली के बिलों का पहाड़ तोड़ दिया। मेरे को क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे हिंदू। मैं क्या जाऊँ, मैं तो भाई मीडिया पे भी रहूंगी, मैं मीडिया पे भी रहूंगी, मैं मोबाइल पे भी रहूंगी, मैं तो सब जगह रहूंगी। मेरा लूट के खा गई हुकूमत, भला हो इनका। हुकूमत खाती है बेचारी, अब खाए ना तो क्या, कुछ शर्म आया है, खाए तो खिलाए भी, गरीब कहाँ जावे किस तरह। चाचू शिबाज किससे लेंगे पैसे, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई,
अच्छा आप उन्हें छोड़े, शहबाज शरीफ चाचू शहबाज शरीफ छोड़े ना, हमने माशाल्लाह से ना सब कुछ हमारे पापा ने एक्सेसरीज हमें कंप्लीट करके दी हुई है, एसी भी है, रूम कूलर भी है, सब कुछ है, पर ये बीबी मुझे ला नहीं देती, मुझे ला नहीं दूंगी, लैपटॉप वालों ने ऐसी तैसी फेर दी हमारी। आए भाई रवायती अम्मियों की तरह ना मेरी मम्मा का मॉन्स्टर जाग जाता है, कोई बिल आते साथ में सुबह 8 बजे, तेरी मम्मा का नहीं सारी मम्माओं का भी, और पापा भी चले मुंह लटका के बैठ जाते बिकी बिल। बताता ना मसले का हल है क्यों नहीं है, सुबह 8 बजे पंखा लगाइए रे भाई, सुबह 8 बजे पंखा तेज़ पान लगाइए रे भाई, दिमाग खराब हो रहा है, पीपी आई हो रहा है, तेज़ तमाकू के साथ 8 बजे पंखा और फ्रिज बंद करा करें। पूछा मैंने कुछ? बंद नहीं कर सकते भाई, जो खाने पीने की थोड़ी बहुत गरीबा गरीबी चीजें जोड़ रखी है वो भी घुस घुस के हाथ में आ जाएगी, कौन सा मेरे पास मरियम नवाज ने रख के जानी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, मोटर भी चलेगी पानी वाली? नहीं नहीं मोटर भी जो है ना शाम 4 बजे के बाद चलेगी, पानी नहीं, वाह वाह शाम लग रही है, शाम को चला दे करना जो 8:30 बजे अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता जानती है, बंदा सुकून से नहाए तो यहाँ और अदरवाइज कामों के लिए भी पानी की जरूरत होती है, किन बेचारों की सुन लो वो तो अपने सिर पे चढ़ाए हुए चुप ही नहीं करते, नहीं है कसम से इतने वो ढीठ हो गए, बाजरा नहीं खाते बाजरे के अलावा चिकन चुकन सब कुछ खा लेते, बाजरा नहीं खाते, अगर ये पी काट लेते हैं आप तो आपका बिल बहुत ही कम आएगा। अबे साले तभी कर लो, कम नहीं आएगा इन दिनों में तो कम नहीं आएगा, यानी कि मोटर चलाना छोड़नी नहीं है भाई, दिन में एक टाइम मोटर चलानी है ठीक है, और शाम को जो आप ऐसे गर्मी गर्मी नहाना धोना सब कुछ करना छोड़ दे, वॉशरूम जाना भी छोड़ दे ठीक है, वॉशरूम बंदा मस्जिद में क्या बता रहा है, कम चलाने की जब बिजली का लोड ज्यादा होता है, इस कमरे जितनी टंकी ऊपर रखवा दे कमरे पे थोड़ी पड़ जाएगी, चलो फिर यही करते हैं क्योंकि ठंडी जगह पे हो आते हैं जाके 4 दिन ठंडी जगह का बर्फ खाना में चले जाए, बर्फ खाने में तो मरे हो लोग, बर्फ खाने की कह रहा हूँ मैं, मुर्दा खाना नहीं कह रहे हो, सर्द खाना होता है आइस फैक्ट्री, ऐसे बर्फ खाना भी बड़ा जबरदस्त होता है, लकड़ी के ब्लॉक उनके ऊपर पड़े होते बंदा बैठ जाए ठंडे यख होते बंदा शीख सुन सारा दिन, भाई मुझे तो सर्द गर्मी गर्मी वही छोड़ो, नहीं वो ढक्कन तो लकड़ी का ही होता है ना, हाँ वो वही ढक्कन तो बंदा गद्दा दरी बिछाए और सुकून से लेटा रहे पंखा चला के, नहीं बंदा मुलाजमों से बात कर लेना, लग रहा है किसी बर्फ के ब्लॉक में ही जमी बैठी हूं सौ रुपया फी जो है ना दिन का ले, आपका क्या हाल है, आप वो क्या टाइम बता रहे मुझे, तुम बताओ कहाँ जाना चाहिए, छांगे मंगे क्या बटाटा बोल दिया, मैं मान से बता रहा हूँ नहर पे चलते हैं छुट्टी नहर पे, अच्छा हमको सिखा रिया है, और आपको धक्का दे दूंगी उधर, पानी से डर लगता मुझे फोबिया, मैं पानी में गिर गिर क्या अब फोबिया, अच्छा आप रावल डैम पे जाके बड़े आप बाल खोल के दाएं मारती होती थी, छोटा सा इतना सा भी काका होता था, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा भी हुआ था तो मम्मा ना वहाँ पे ना बहुत ना पता नहीं किस किस्म का मेकअप करती थी, मैं रेड लिपस्टिक और आउटलाइन मार्कल की और ये मतलब की ना प्यारी सी तैयार होके बाल खोल के तो उधर अंधेरे में बैठी थी, मतलब की जाके ना वहाँ अंधेरे में क्यों बैठी, भाई आपने अपने पति के साथ बैठी नहीं होती थी उस टाइम, बताओ आप अरुणा लैला बन के पिक्स बनवाई है ना, उस टाइम कैसी पिक्स बनवाती थी अम्मी ने, फैशन ये भी किया था उस टाइम में यूं ना यहाँ पे मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो चुराए हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया, बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो, ब्लीच गया जल्दी बोले अबू, राशा पे खबर तक माला रौड़ा, ताजा ताजा गेलो ना द्रेसो माला रौड़ा, मजा आया आज मैं सुनाऊं, नहीं रहने दो आप कर दो,
ठीक है भाई, हम अंशात नहीं बेच रहे, पत्ती वगैरह खानी है तो वो भी है हमारे पास, आ जाओ मियां पान खिला दे तुम्हें, शो ना करवाओ, खानदान भी शो ही होगा ये भाई। मम्मा आप ऐसे ही जैसे कोई सूरजमुखी का फूल मुड़ जा गया हो तो भाई मैं मुरझाई बिल की वजह से। भाई आज आपने लिपस्टिक भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया, कह रही मतलब मम्मा ने व्लॉग शुरू करना है आप लिपस्टिक लगा रहे, कह रही फूकड़ दे व्लॉग नहीं, कह रही मेरा दिल नहीं कर रहा, बिल मम्मा के दिल के साथ चिपका हुआ। बताया मैं तो कह रहा हूँ चुप करते हैं यहाँ से ना, निकलते अपने ऊपर छत पे जाते, पंखा चला के ठंडी हवा लेते वहाँ पे जाके, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठाट नहीं है सही, कम खर्च बाला ने शुरू, तू बता बहू कहाँ जाना है। मुझे अपने घर जाना है, बोल दे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, लाहौर किसके घर, माड़ा तो दिल करना मैं मरी चुला, मैं मरी के कर ना वो फॉर तो ही चुला। माकूल सा पैकेज बनेगा हमें, ये है कि वहाँ पे घुमाएंगे, थोड़ा ऊँचा बोल रहे नहीं, चार पाँच दिन का जो सना टूर होना चाहिए उसमें कढ़ाई गोश्त वगैरह का ये पैकेज बना लेंगे, फ्री लेके जाएगा ना तुम्हें हाँ। मैं कोशिश करूंगा ना, ऐसा करते हैं, इतने पैसे कहाँ से आए? नहीं नहीं बात तो सुनना, खुद तकरीबन डालता हूँ कुछ 2-2.5 हज़ार मैं डालता हूँ, बाकी 10-10-20-20 हज़ार डलेगा वो फी कस डाल ले आप। अच्छा 2-2.5 हज़ार खुद और 10-10 हज़ार फी कस तुम डालो, ऐसा मशीन की खुद ही मेरी जनाब अली मैंने 40-50 हज़ार बाहर जाके लगाना, वही मैं एसी का बिल ना भरूंगा, जहाँ पे बैंक का अबू जिधर सारे बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं आजकल। अरे कहना क्या चाहते हो? पता नहीं पुलिस वाला या बैंक का है, वो उसके चौक के अंदर आता है, मरीन में जुमसा चौक है जिस तरह कोई चर्च है पुराने जमाने का, आगे बैठ के उसकी तस्वीरें खिंचवाएंगे लोग, आवाम लोकेशन बहुत अच्छी है ना, डेकोरेशन उन्होंने फूलों की तरह की प्यारी, इतना खूबसूरत सजा हुआ वहाँ पे, हाँ तो डाले पैसे 15-15 नॉर्दर्न एरिया, उसका हर प्लेस ही ब्यूटीफुल है। अच्छा तो आज भी बस मेरी मम्मा इतनी दुखी हुई ना कि उन्होंने क्या करा कि मैंने कहा मम्मा खाना क्या बना रहा है, दाल पड़ी है और चावल पड़े हैं, खिचड़ी बना लो हाँ, तो हमें बिना बीमारी के मम्मा ने खिचड़ी खिला दी, क्या बात है भाई, लग रहा हवा आ रही है बाहर से जी। तो व्यूअर्स आप ही अब हमें बताएं कि हमारा 15-15 हज़ार रुपये बिल आया, या हम 15-15 हज़ार रुपये बिल भरें या हम कहीं ठंडे इलाके में चले जाएं, आप हमें बताएं क्या रहेगा, बिल भरना ठीक है, जब बिल ना भरा ना हम पूरी गर्मी ना बिजली से कासिद रहेंगे, किसी पिंड में जाते हैं पिपलों की छा के नीचे, ठीक है ना, ट्यूबवेल पे बैठोगे घंटा 2-4 घंटे आना तो घर ही है ना, आना तो इधर फुकन कराई में है ना, लस्सी ठंडी है ट्यूबवेल के पास बैठा है बंदा, मैंने कहा यूं करके बीच में जाए, यूं करके इधर देखी, यूं करके बीच में जाए, फिर यूं करके बाहर तो आना नहीं, यूं करके आना तो इसी कढ़ाई में सड़ने हैं, बस फिर अपनी 4 दिन तो बंदा ठंडा रह लेगा ना, साथ अपने मिर्चे प्याज यूं फोड़ के बहुत ज्यादा मेरा दिल छुड़ाया हुआ है आपने, पहले तो मैंने आपसे पूछा कि मैं पकाऊं क्या, आपने कहा दाल पड़ी है चावल पड़े बिना बीमारी के, आपने हमें खिचड़ी खिला दी, नहीं अबू को तो छोड़े, फिर आप दूसरी बात मुझे ये बताएं कि अभी मेरा दिल कलेजा सड़ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है तो आप ऐसा करें मुझे ठाकोला पिला दो, आज मेरा जितना कलेजा सड़ा मेरा कौन ठाकोला से ठंडा, वो मैं आपको कर दूंगी ठंडा, आइस प्लेट आपके पास रखी हुई जो रूम कूलर में रख देना, मैंने फ्रिज में लगा दी थी वो मैं आपके पास, आइस प्लेट यहाँ से ठंडक देती रहेगी, यहाँ से मेरा कलेजा सड़ता रहेगा सड़ता रहेगा। भाई आप उन्हें चुप क्यों नहीं करवा रहे, आपके ससुराल से जो सुगात आई है, बेचारे हाल दुआई दे रहे हैं, बहुत मोहब्बत है ससुराल से, सुगात आई है वालों को हाल दुआई दे रहे हैं,
भाई वो व्यूअर्स ना आपसे मोहब्बत करते थे, जैसे व्लॉग शुरू होते ना तो आपको ये व्लॉग में आवाज लाजमी सुनने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये सौगात इनकी ससुराल से आई हुई है। आज ना वापटालों को बुलाया, ठीक है, अच्छा, तो उन्हें ना आ नहीं रही थी, उन्हें कहा जी भाई ना आ जाओ, तुहानू चाह पानी भी दे देंगे। अच्छा। तो अब जब काम कुम कर लिया उन्होंने तो बैठे कि भाई चाह पानी का कह रहे थे, पहले मैंने पानी ला के दिया, साथ उधर से दो कप चाय आ गई, भाई चाह पानी, मैं कहा भाई पानी आ गया, चाह होगी, चाह पानी इकट्ठा हो गया, तो कह रहे मजाक कर रहे हैं साढ़े नाल, मैं कहा भाई है तो मजाक वाली गल ही है, लेकिन गल ये है कि है तो सच ही भी चाह पानी तुसी क्या दोनों शामां ते ताड़ी को आ गई, पर तेरे को डाले भी नहीं गेंद लिया, और मम्मा इसी दुख में ना मेरे पांव के नाखून निकलने को हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ नहीं है। अच्छा जी, तो व्यूअर्स आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैं दोनों में से क्या काम करूँ, या तो बिल भरवा दूँ या तो हम कहीं ठंडे इलाके में चले जाएं, ठीक है, ताकि हमें गर्मी से रिलीफ मिले, और अल्लाह पाक आपको भी रिलीफ दे, अल्लाह पाक आपको एसी दे और सिर्फ भरने की बिल भरने की कुव्वत दे, अल्लाह पाक सबको इतना रोजगार करे, एसी लेना बहुत आसान है जी, एसी को लेके चलना बड़ा मुश्किल है, इतना डेढ़ टन का बंदा काम उठे फिरता बिल बिल बिल। और भाई कोई वाइपटा से हमारे मेरे ब्लॉग देख रहा है तो भाई एक रिक्वेस्ट है हमारी, भाई साढ़े घर के बिजली दे सोलर सिस्टम लगे हुए ने जो एडा का बिल आ जाता साडा, भाई हमारे कौन से कोई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी, भाई हमारा बिल बहुत ज़्यादा आता है, सर्दियों में भी इनके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, हम एक दूसरे से बार बार मिलते हैं, इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।